नमस्कार, शुभ नवरात्रि आप सभी को। और मैं हाजिर हूँ नवरात्रि फूड सीरीज़ की दूसरी रेसिपी लेके। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं रोज़ डालूंगी, बट तबीयत ख़राब हो गई तो नहीं डाल पाई। सो आज की हमारी रेसिपी है मखाने की खीर। बहुत ही डिलीशियस बनती है और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को एंड जरूर तक ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब तो सबसे पहले हमें लेना है आधा कप मखाना। मैंने आधा लीटर दूध के लिए आधा कप मखाना लिया है, आप उस हिसाब से ले सकते हो। मखाने को पैन में डाल के लो फ्लेम पे हमें पकाना है जब तक। अभी ये देखिए, मैंने इसको तोड़ के देखा था तो ये टूटा नहीं। मखाने को जब आप पक जाएगा, क्रंची हो जाएगा ना, तो वह जब आप इसको ऐसे तोड़ के देखेंगे, ये देखिए ऐसे फट से टूट जाएगा। इतना आपको इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है ताकि ये पीसने में आपको ईजी हो जाए, वरना मखाना पिसता नहीं है। जब ये पक जाएगा, रोस्ट हो जाएगा, इसको निकाल देंगे और ठंडा करके हम एक पाउडर बना लेंगे। तो बिल्कुल एक फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है। अगर आपको फ़ाइन चाहिए कि मखाने का जो चुईनेस है वो आपको खीर में नहीं चाहिए, तो आप बिल्कुल फ़ाइन बना सकते हो। अदरवाइज़ थोड़ा सा कोर्स रख सकते हो। तो मेरा थोड़ा बहुत कोर्स है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा मैंने भी मोटा नहीं रखा हुआ है। उसको साइड में रखते हैं, पाउडर रेडी है। और अब इसमें मैंने लिया ये अमूल का फुल क्रीम मिल्क आधा लीटर। आधा लीटर के लिए मैंने आधा कप मखाना लिया था। और अभी इस दूध को गर्म होने देंगे जब तक। मैं आपको बाकी इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा नारियल, थोड़े बादाम, थोड़े काजू, पिस्ता और इलायची पाउडर लिया है खीर के लिए। तो बहुत ही न्यूट्रिशियस, हेल्दी और बहुत ही डिलीशियस खीर बनने वाली है। आपको पता है इतने सारे टेस्टी इंग्रेडिएंट्स जाने वाले हैं। जब आपका दूध बॉईल हो जाएगा तो इसके अंदर अपने मखाने और इलायची पाउडर डाल दीजिए और अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए ताकि लम्स ना पड़े। हालाँकि अगर आपने बहुत ज़्यादा कोर्स रखा है तो लम्स नहीं होंगे। और मिक्स करके आपको इसको कुक करना है जब तक ये हाफ़ नहीं हो जाता है। तो आप अपने पैन के जो मार्क लग जाता है, दूध का निशान बनता है, उससे भी आप समझ सकते हो कि हाँ ये आधा हो चुका है। अदरवाइज़ ये थिक होता चला जाएगा। तो अगर आप लगातार चला रहे हो, आप फ्लेम हाई रख सकते हो। लेकिन अगर आप लगातार नहीं चला रहे हो तो आपको इसको लो करके रखना है। और देखिए इतना थिक हो जाएगा जब तक आप इसको कुक कर लेंगे। जब ये आधा हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो मैंने चौथाई कप इसके अंदर चीनी डाली है। अभी चीनी जब तक डिसॉल्व होगी, अच्छे से इसको लगातार चला के कुक कर लीजिए और इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स उसके बाद ऐड कर दीजिएगा। तो जब आप अच्छे कुक कर लेंगे और बड़े से बबल्स आने लग जाएंगे, जब आपका चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी, इसके अंदर अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी खीर ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी है, बस अब इसको सर्व करना है। तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको एक बोल में निकाल लीजिए, ठंडा कर दीजिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए। और अभी हमें गार्निश करना है, वो आपकी चॉइस है ऑब्वियसली। उसके बाद आप इसको ना फ्रिज में रख दीजिए। जैसे आपको रात को खाना है, नवरात्रि में खाना शाम को खा रहे हो, तो दोपहर में बना के फ्रिज में रख दीजिए। रात को जब खाएंगे ना तो बहुत चिल्ड, ठंडी, बहुत ही डिलीशियस बनेगी। तो खीर को ठंडा करके खाइएगा, बहुत ही अलग सा टेस्ट आएगा और अच्छा टेस्ट आएगा, इनहेंस हो जाता है टेस्ट। तो ये आज की हमारी रेसिपी थी। मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल एक और रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शुभ नवरात्रि, बाय बाय।